SN Live सच सबसे आगे। थायराइड शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कोई फिल्म बन रही है। ऐसा माना जाता है कि प्रकाश झा के फिल्म अपहरण भी शहाबुद्दीन पर आधारित थी। फिल्म अपहरण में मुख्य भूमिका में अजय देवगन और नाना पाटेकर थे। नाना पाटेकर ने विधायक तबरेज आलम का किरदार निभाया था। इसी किरदार को शहाबुद्दीन से प्रेरित बताया जाता है। हालांकि इस बार वेब सीरीज रंगबाज में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शाह पर पूरा फोकस होने की उम्मीद है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फिल्म रंगबाज बन रही है उसमें अभिनेत्री आकांक्षा सिंह है, जो हीना शाह से प्रेरित होकर उन्हीं का किरदार निभा रही हैं। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के जेल जाने के बाद हीना शाह ने राजनीति में कदम रखा था। हीना शाह पहली बार 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी। इसके बाद 2014-2019 में भी हीना शाह लोकसभा चुनाव लड़ी। हालांकि उन्हें हर बार हार ही मिली है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ओसामा साहब जैसे जैसे अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और दौरा कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वह राजनीति में अपने पिता की तरह ही उतरेंगे और अगर वह कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जीत भी हासिल करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ दिनों में MLC पद का चुनाव है और हीना साहब और ओसामा साहब चाहते हैं कि राजद की ओर से ही कोई उम्मीदवार जीत हासिल करे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SN Live।